निम्याघाट थाना को शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर आदर्श थाना के रूप में सम्मानित किया गया। शुक्रवार शाम 5 बजे इसकी जानकारी पपरवाटाड़ एसपी कार्यालय से दी गई। बताया गया कि निम्याघाट के पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अवार्ड देकर सम्मानित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर सिंह को दिल्ली में आयोजित एक समारोह में ट्रॉफी प्रदान किया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ एनएसएस अजीत डोभाल और गृह मंत्रालय के कई वरीय अधिकारी मौजूद थे। ट्रॉफी प्रदान करने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व थाना प्रभारी की पीठ भी थपथपाई और शाबाशी भी दिया। वर्तमान में राणा जंग बहादुर सिंह गिरिडीह के नगर थाना में पोस्टेड हैं। विदित हो कि एक माह पूर्व गृह मंत्रालय ने गिरिडीह के निम्याघाट थाना को देश के टॉप 3 थानों में अवार्ड देने के लिए चयन किया था। गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया में निम्याघाट थाना पूरे मापदंड पर खरा उतरा। थाने में हाजत में रखने के लिए कैदियों के सफाई की खास व्यवस्था के साथ ही अपराध नियंत्रण और अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई के साथ जनता से बेहतर संबंध बनाए रखना समेत कई बिंदु शामिल थे। बताया जाता है कि पूर्व एसपी दीपक कुमार शर्मा के निर्देश पर डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद और पूर्व थाना प्रभारी राणा जंग बहादुर ने निम्याघाट थाना को गृह मंत्रालय के चयन प्रक्रिया के लिए सारे कैटेगरी को पूरा किया था। पूर्व एसपी के कार्यालय में ही एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने निम्याघाट थाना को टॉप 3 थानों के अवार्ड के लिए भेजा था। वहीं गृह मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद निम्याघाट थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी जंग बहादुर सिंह को दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया गया।